तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे आज हम जा रहे हैं बागमारा राम मंदिर। तो बहुत लोग जो है वहाँ पे जा चुके हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि राम मंदिर जो है बागमारा में कैसा है, तो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और मेरे साथ जो है तीन भाई लोग हैं, तो यहाँ पे जो है आप एक मुकेश भाई को देख सकते हैं। तो मुकेश भाई यहाँ पे हाई कर दो। उसके बाद यहाँ पे संजय भाई भी यहाँ पे देख रहे हो, और उसके बाद जो है अमरजीत भाई जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हो। तो यहाँ पे इन सभी तीनों भाई लोग के साथ जो है आज हम ब्लॉग शूट करने वाले हैं, और सारा कुछ हम दिखाने वाले हैं। क्या क्या सिनेमैटिक शॉट सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग को आप एंड तक देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है हम यहाँ पे बागमारा राम मंदिर जो है वो पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे पीछे जो है आपको ये वाले गेट देखने को मिले, जो कि राम मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और सारा कुछ बताते हैं कि अंदर का सीन कैसा है, और सारा कुछ सिनेमैटिक शॉट जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अभी जो हम इसके अंदर चलते हैं और सारा कुछ आपको बताते हैं कि अंदर आपको टेम्पल्स कैसी है, यहाँ पे सारा कुछ जो अंदर का डेकोरेशन वगैरह कैसा, तो सारा कुछ जो आपको देखने को मिलेगा अंदर। तो अंदर आने के बाद आपको कुछ इस टाइप का आपको जो है एक मंदिर का बालकनी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बहुत सारे पब्लिक जो है वो यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ यहाँ पे करती है। तो आपको इस टाइप से देख सकते हो, तो व्यू जो है वो काफ़ी अमेजिंग है। अगर आप धनबाद से बाहर साइड से हो तो आप एक बार इस टेम्पल का जरूर विजिट करना। यहाँ पर लोकेशन जो काफ़ी मस्त है, और फोटोग्राफी का अगर इसको शौक है तो वो यहाँ पर आकर फोटोग्राफी भी कर सकता है। तो कुछ आप देख सकते हो यहाँ अमेजिंग जो है, आप देख सकते हो टेम्पल जो है कितना खूबसूरत है। तो सारा कुछ है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम चलते और भी अंदर, अंदर आपको सारा कुछ दिखाते हैं कि वहाँ पर आपको सिनेमैटिक शॉट्स कैसी आपको देखने को मिलेगी, और टेम्पल के अंदर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सामने राम मंदिर के जो सबसे पुराने पुजारी जी हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे सामने जो ये बाबा जी हैं, तो सबसे पहले बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। तो बाबा जी आप मेरे को बताओ कि मंदिर जो है वो कब से यहाँ पे स्थापित है और इसके पीछे क्या क्या कहानी है, तो सारा कुछ जो है आप हमारे व्यूअर्स को यहाँ पे बता सकते हो। पहला तो हम अपना नाम आपको दर्शाते हैं जी। मेरा नाम श्री इंद्रजीत पांडे हुआ जी। और इस जगह जो है राम मंदिर बहुत पुराना है, 100 साल पहले के बात है। पहले मिट्टी का ही मूर्ति बनता था, मिट्टी का ही मंदिर था। हमारे दादाजी पूजनीय पूज के गुजर गए जी, हमारे पिताजी पूजनीय पूज कर गुजर गए जी। अभी प्रभु रामचंद्र जी को हम लोग पूजन कर रहे हैं। और ये मंदिर को जो विस्तार किया गया है, ये ढुलू बाबू विधायक हमारे बागमारा क्षेत्र का जो विधायक जी हैं जी, उनका सहयोगिता है। सबको चंदा से ही बना है, अकेले विधायक बाबू का धन इसमें नहीं लगा है, बहुतों को धन इसमें आया है, सहयोग मिला है। विधायक बाबू ढुलू महतो आगे खड़े हो करके इस काम को आगे बढ़ाए हैं। और ये मंदिर जो है कि बहुत पुराना मंदिर है जी, 100 साल के पुराना है। अभी इसको डेवलपमेंट कर करके विस्तार किया गया है। ये एक धाम चिताही धाम से प्रचलित हो गया है जी। और भी है कुछ पंडित जी? और भी है कुछ? बहुत कुछ नहीं। तो बहुत बहुत थैंक यू पंडित जी, आपने जो हमारे मंदिर को जो बताया कि मंदिर जो कब से स्थापित है। तो व्यूअर्स लोग यहाँ पे आपने देखा कि मंदिर जो है वो पिछले से 100 साल पुराना मंदिर है और इसके स्थापना जो है वो ढुल्लू महतो के द्वारा जो है, जो हमारे झारखंड के विधायक हैं उनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो मंदिर का लुक जो है वो काफ़ी, और बागमारा के भी विधायक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब मंदिर का जो भी निर्माण है वो काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मंदिर जो है वो बहुत ही यहाँ पे अमेजिंग मंदिर है और इसकी बनावट जो है वो काफ़ी अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स अभी जो आप पीछे देख रहे हो यहाँ पे बजरंगबली का यहाँ पे टेम्पल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ बजरंगबली के दो दो टेम्पल है, तो यहाँ जो मेन जो बजरंगबली है वो यहाँ पे आपको इस वाले मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बजरंगबली के जो भी ध्वज वगैरह, जो भी यहाँ पे उसकी झंडे वगैरह लगती है और जो भी नारियल वगैरह वहाँ पर फूटती है, वो यहाँ पे आपको बाहर में आपको ये वाले मंदिर पे आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सारा कुछ नारियल वगैरह सब कुछ यहीं पे फूटता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नारियल का पत्थर है और साथ में जितनी भी मनोकामना है वो आप जो है यहाँ पे आके इस वाले ध्वज पे आप जाके यहाँ पे बांध सकते हो और अपनी विशेष को यहाँ पे मांग सकते हो। तो फ्रेंड्स तो अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मंदिर के यहाँ पे सारे डिटेल्स तो हो गए, यहाँ पे हम आए तो सिर्फ हम पूजा कर सकते हैं या फिर और भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सबके लिए यहाँ पे और भी बेनिफिट रखा गया। तो यहाँ पे आप सबको यहाँ पे एक छोटा सा पुल भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो है आप बोटिंग वगैरह भी सब कुछ जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये वाली जो रास्ता है वो सीधा जो है वो आपको पुल की तरफ जाता है, तो जो कि यहाँ पे आप जाके जो वो यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह सब कुछ आप कर सकते हो, कुछ इस टाइप का आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का लोकेशन जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सीढ़ी से आप सीधा जो है वो यहाँ पे नीचे जो है आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो और जितने भी आप बोटिंग वगैरह जो है वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे जो आप ये वाली प्लेस देख रहे हो, तो यहाँ पे आके जो राम मंदिर के बगल में जो है यहाँ पे जो है सीढ़ी से आप उतर के यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो इस बोटिंग की प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ में 4 लोग यहाँ पे जा सकते हो। और टाइम की बात की जाए तो टाइम जो है वो आपको 15 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा, 15 मिनट के बाद जो है आपसे बोट जो है वो ले लिया जाएगा, मतलब 15 मिनट तक आप जो है आसान से आप बोटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपके साथ बच्चे लोग भी आते हैं तो बच्चे लोग के लिए भी यहाँ पे बहुत इंटरटेनमेंट का मज़ा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे को है जो है वो इसके अंदर ऊपर जो है वो आप खिलवा सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो पीछे मेरे बच्चे लोग जो कितने मज़े से है जो वो यहाँ पे जंप कर रहे हैं, तो यहाँ पे जंपिंग जैक जो है वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। Thank you.
जो होने लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा लुक, तो यहाँ पे आप एक बार विजिट जरूर कर सकते हो। यहाँ पे आके आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आपके पैसे जो है आप लगा के यहाँ पे आओगे तो पैसे जो है वो बिल्कुल जो है वो वेस्ट नहीं होने वाले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो बागमारा राम मंदिर। तो यहाँ पे आके आप यहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, जो कि आपको ब्लॉग के माध्यम से सारा कुछ आपको देखने को मिल ही गया होगा कि यहाँ पे आपको किन किन आप भगवान के यहाँ पे टेंपल देखने को मिलेगी और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो आप इस ब्लॉग को लाइक करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमेशा जो है आने वाले टाइम में आप और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग जो है वो आपको इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं कुछ और नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए यहाँ पर बाय बाय। नाम की।